कदेत कर प्यार, जो मासुक देत आशिक को एक तन यार को यार, एक तन यार को यार। नैन रसीले रंग भरे, पीछे तक कहाँ जा रही है? इस सागर ग्रंथ में जो पांचवा सागर है, पांचवा सागर पूरण गहरा कुछ गंभीर, प्याले इश्क दरिया के पीवे अर्श रुए फकीर। राजी के हृदय में जो सागर है वो पांचवा सागर इश्क का है। जो सागर ग्रंथ में आठ सागरों का वर्णन है वो राजी के दिल के आठ सागर है। परिक्रमा ग्रंथ में जो आठ सागरों का वर्णन है वो परमधाम की आठ दिशाओं में आठ सागर का जो वर्णन आया है। राज्य के हृदय में जो अनंत सागर है उन सागरों की एक लहर आठ दिशाओं में आठ सागर बन गए। आप सोचिए, उसमें एक इल्म का सागर है, इल्म के सागर की एक बूंद महामती जी के हृदय में आती है तो वो भी अनंत सागर बन जाती है। और उस सागर के कुछ बूंदों का ही रस स्वादन हम सुंदर साथ ले पाते हैं। इस पांचवें सागर का जो वर्णन राज्य के हृदय में जो उमड़ रहा है उसका जो वर्णन किया गया है, इस माया के संसार में हम करोड़ों अंश ही समझ पा रहे हैं। इसको को हम कुछ समझ नहीं सकते क्योंकि हमारी जो बुद्धि है किसकी है? माया की बुद्धि है। मन भी किसका है? माया का। जीव भी किसका है? माया का है। आप सोचिए, हमारा जीव किसकी चेतना का प्रतिभास है? नारायण का। पूछा जाए क्या नारायण को प्रेम की सुगंधि है? हम तो कह देते हैं कि अक्षर को भी शुद्ध नहीं सुख किन्वित केल करत। नारायण क्या है? अक्षर के मन अभ्याकृत का प्रतिबिंबित रूप ही तो नारायण है। और इस नारायण की बनाई हुई सृष्टि में केवल हमारी पृथ्वी जैसी, इस जो गैलेक्सी है इस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां कम से कम है। और ये गैलेक्सी इस सृष्टि की सबसे छोटी गैलेक्सी है। आप सोचिए कितनी करोड़ों पृथ्वियां होंगी, कितने वैकुंठ होंगे, कितने स्वर्ग होंगे। स्वर्ग लोगों में जो देवी देवता रहते होंगे उनका मन तो हमसे ज़्यादा पवित्र होगा क्योंकि लंबी साधनाओं के बाद वे स्वर्ग में जाते हैं। वैकुंठ कितने होंगे, उनके जो अधिपति होंगे विष्णु भगवान कहिए पौराणिक भाषा में, उनका हृदय हमसे तो ज्यादा ही पवित्र होगा। और इन सबका स्वामी कौन है? एक आदि नारायण। आदि नारायण का स्वामी कौन है? अक्षर ब्रह्म। आदि नारायण तो स्वप्न के स्वरूप है और वह अक्षर ब्रह्म कोट ब्रह्मांड जाके पलते पहरा सो चाहे हमारा। वो अक्षर ब्रह्म प्रेम को जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी हंसी क्या हो रही है कि हम कर्मकांड की दुनिया में आए हैं और कर्मकांड किसने बनाया है? संसार के जीवों ने बनाया है। हमारी आत्मा जीवों पर बैठकर उस लीला को देख रही है और हम विवश होकर उसी कर्मकांड के पीछे चलने के लिए भी असहाय अवस्था में देख रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं इस माया की दुनिया में पत्नी को हमेशा बामांगी कहा जाता है, बाएं बैठाया जाएगा। तो हमने श्यामा जी का चित्र किधर बनाया है? राजी के बगल में बनाया है, दाएं नहीं बना सकते। एक बार रतनपुरी आश्रम में एक विवाद छिड़ गया था कि राजी और श्यामा जी के चरण कमल कैसे रखे। एक पक्ष कह रहा था कि यदि राजी बायां पैर नूर की चौकी पर रखें और दाएं पैर को बाएं पैर की जान पर रखें तो श्यामा जी बाईं तरफ है, श्यामा जी की तरफ राजी का पैर पड़ जाएगा तो श्यामा जी का अपमान हो जाएगा। आप सोचिए, जिस इस माया के संसार में रहते हैं
किसी की तरफ हम पैर करके बैठे तो स्वाभाविक है उसका अपमान होता है। एक पक्ष कह रहा था कि नहीं, श्यामा जी उनके चरणों को देखती रहती, क्योंकि श्यामा जी के लिए राज्य के चरण ही जीवन के आधार है। लेकिन ये सारी व्याख्या किस आधार पर हो रही है? इस संसार की बुद्धि के आधार पर हो रही है। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, प्रेम कहते किसको? इश्क तो शब्दातीत कहया जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार इत दुनि पावे के कर। प्रेम कहाँ है? निराकार के पार है, बेहद में भी प्रेम नहीं है। प्रेम का एक स्रोत बह रहा है जो परम धाम का प्रेम है, वो रास में अंश रूप में दिखाया गया। उस रास को, रास की लीला को अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में दिखाया है, रख रखा है। अक्षर ब्रह्म देख करके आनंदित होते रहते हैं। इसके पहले केवल ब्रह्म की प्रेम में ही भूमिका में वो कुछ आनंद लेते रहते हैं। परम धाम का जो प्रेम है करोड़वें अंश में केवल ब्रह्म में प्रतिबिंबित होता है। अक्षर की आत्मा रास से पहले उस केवल ब्रह्म की लीला को देखकर आनंदित होती रहेगी। और सारी दुनिया की जीव सृष्टि तो छोड़िए, ईश्वरीय सृष्टि का परम धाम क्या है? केवल ब्रह्म। जीव सृष्टि तो नारायण के आगे सोचने की भी बात नहीं कर सकती। आप सोचिए, सूर का प्रेम देखिए, रसखान का प्रेम देखिए, मीरा का प्रेम देखिए। मीरा दीवानी है, कृष्ण के प्रेम में नृत्य कर रही है। रसखान दीवाने, कई कई दिन तक भोजन का एक कण नहीं मिला है, लेकिन वृंदावन की गलियों में पागल होकर घूम रहे हैं। हम सुंदर साहब अभी कहाँ खड़े हैं, मैं उसी की तरफ संकेत कर रहा हूँ। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम तो शब्दातीत कहिया जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार के पार। कृष्ण लीला का जिन्होंने आश्रय लिया, रहीम दासियों, सूरदासों, मीरा हो, रसखान हो, इनके पास कुछ आभास हुआ कि प्रेम ऐसा होता है। न मीरा को शुद्ध है कृष्ण के नाम पर विष का प्याला पी जाती है, रसखान को शुद्ध नहीं है कि मैं चार चार दिन से अन्न का एक दाना नहीं लिया हूं। सूर अंधा हो जाने के बाद जब राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं तो दोबारा इस संसार को देखना नहीं चाहते। लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मैंने अभी कहा, हमने शरीयत को इतना सीने से चिपका रखा है कि उसी दृश्य परम धाम को भी बांधने लगते हैं। माया की एक छोटी सी झलक मैं आपको बताता हूं। जब गाय ब्याती है तो देखिए उसको अपने बच्चे से कितना ममता होती है, कितनी ममता है उसको। बच्चे के शरीर के ऊपर जो कुछ मलमूत्र जो भी चिपका होता है चाट चाट कर खा जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इंसान इसको धोएगा नहीं, खुद स्वयं सफाई कर देती है। हम और आप भी कभी जन्म लेते हैं माता के गोद से। जब बालक छोटा होता है, मलमूत्र करता है, तो माँ अपने हाथों से धोती है, चाहे वो महारानी क्यों ना, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो ये नहीं सोचती है कि मैं बूढ़ी होगी तो मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। उसके हृदय में ममता का ज्वार उमड़ रहा है। वो काम किसी दाई से करवा सकती है, लेकिन नहीं, उसकी ममता उसको व्याकुल कर देती है कि समय पर उसको दूध पिलाना है। दाई भी 24 घंटे थोड़े रहेंगे। आधी रात को यदि बच्चा मलमूत्र त्याग करता है तो अरोपति घर की भी माता होगी, वो भी अपने बच्चे को तो उस सफाई करेंगे। इस संसार का यदि कोई सुपुत्र मिल जाता है तो बूढ़ी माँ होती है, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट भी होगा तो अपने माँ के चरणों में सिर रख देता है। जब माँ बूढ़ी होती है तो वही बच्चा जिसका मलमूत्र माँ उठाती थी, उस माँ का मलमूत्र वही उठाता है। आजकल ऐसा बहुत कम देखने के में होता है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। क्या कहना है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे देखिए, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के मलमूत्र को उठाती है, किसी लोभ लालच से नहीं, किसके बसबूत होकर। इस दुनिया की भाषा में कहेंगे कि प्रेम के कारण बच्चे को उठाती है। जब
माँ उस असहाय अवस्था में आ जाती है तो बच्चा माँ की सेवा करता है, वो मलमूत्र उठाने के लिए तैयार होता है। संभव है धनवान है तो दाई रख देगा, नौकरानी रख देगा, लेकिन जो सेवा भाव के होगा वो सोचेगा कि मैं अपनी माँ की सेवा स्वयं करूँगा। ये किसके वशभूत होकर? प्रेम के वशभूत होकर, एक हृदय का आकर्षण है। जैसे किसी कमिश्नर का ऑफिस हो, कलेक्टर का ऑफिस हो, वो चपरासी को एक गिलास पानी तो नहीं लेगा, ला कर देगा, नौकरी छोड़ देगा, लेकिन ऊपर का अधिकारी कहे कि देखो एक चपरासी के तुम्हें पैर धोने हैं, एक चपरासी को तुम्हें एक गिलास पानी ला कर देना है, तो कलेक्टर और कमिश्नर कहेगा कि मैं नौकरी से इस्तीफा नहीं, चपरासी का काम क्यों करूँ? क्योंकि वहाँ अहंकार टकराता है। माँ के सामने बेटे के लिए कोई अहंकार नहीं है और बेटे के सामने माँ के लिए कोई अहंकार नहीं। अब देखिए मोदी जी अपनी माँ की कैसी सेवा करते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। माँ और बेटे का रिश्ता इतना परिपक्व है, चाहे पति पत्नी का भी देखा जाए, वैसे तो आजकल पति पत्नी का संबंध सौंदर्य के ऊपर लिया जाता है, शारीरिक सौंदर्य के आधार पर आकर्षण होता है, जब जी भर जाता है तो दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन जो भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध होता है वो हृदय के आधार पर होता है। या जिस कर्मकांड की दुनिया में जी रहे हैं उसका नकल करने के लिए हमें विवश किया जाता है, क्योंकि ये संसार प्रेम की भाषा नहीं जानता, बेचारा कैसे जानेगा। इस संसार के बनाने वाले को पता नहीं कि प्रेम क्या है, नारायण को पता नहीं, अक्षर को पता नहीं, तो परमधाम के प्रेम की व्याख्या क्या करेंगे? तो हम भी क्या करेंगे? हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ता है, देवी के मंदिर में नारियल चढ़ता है, वस्त्र चढ़ते हैं, मिठाइयाँ चढ़ती हैं, हम चढ़ाते हैं और क्या मानते हैं? मन्नत मांगते हैं कि हमारा ये काम कर दोगे राजू तो एक बार और कर दोगे। ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। अपने हृदय कौन देना चाहता है? क्या राजी को अपने हृदय दिए? आप अपने लिए 1 करोड़ की कोठी बनाएंगे, राजी के लिए छोटी सी कोठरी बना देंगे। आप अपने बाल बच्चों के लिए 2 करोड़ का बैलेंस करते हैं, लेकिन आपके सर्वस्व, आपके आराध्य, आपके प्राणेश्वर की महिमा संसार में फैले, इसके लिए कितने सुंदर सब तैयार होते हैं। कोई त्याग नहीं, कोई प्रेम नहीं। एक देवी देवता मानकर ही तो हम श्यामा जी को राज्य के बगल में बैठाएंगे बाईं तरफ और राज्य को बैठा देंगे दाईं तरफ। हमारे पास साहस नहीं है कि हम श्यामा जी को दाईं तरफ, जिसने बैठा दिया उस बेचारे की आफत हो जाएगी, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा कि श्यामा जी को दाईं तरफ क्यों बैठा दिया। क्योंकि इस संसार में स्त्री को पुरुष के बाईं तरफ ही बैठाया जाता है, तो दुनिया का नियम राजी श्यामा जी पर भी लागू कौन करता है? हम ही करते हैं। जैसे मैंने आपको याद दिलाया कि राजी की तरफ, श्यामा जी की तरफ राजी का पैर पड़ जाएगा तो एक व्यक्ति कह रहा है कि श्यामा जी का अपमान हो जाएगा, एक व्यक्ति कह रहा है कि श्यामा जी राजी के चरणों को देख रही है। इस संसार की पत्नी पति के चरणों को देखती है, वाणी में भी चौपाइयां दी गई है, प्रथम लाभो दो चरण को धनी है न छुड़ाई अच्छी, क्यों कहा गया है? ये हमारे क्रूर जीव को कोमल बनाने के लिए कहा गया है। राज्य का मुखार में तो आएगा नहीं, चरण परम धाम के वहदत में, चरण में और मुखार विद में कोई अंतर नहीं है। चरणों का भाव आ जाए, क्योंकि चारों जोड़े चरण के यजुर्ष मकर वाणी में लिखा है, ये लिए हृदय में अवसर पूर्ण, हम कह सकते हैं कि राज्य का मुखार भी नहीं दिखता है, तो चरणों का भी भाव लेकर के हम प्रेम की नज़र से देखने का प्रयास करें तो शायद हमारे हृदय में कुछ कोमलता आए और उस कृपा से मुखारविंद भी दिख जाए। क्योंकि सीधे मुखारविंद ये पत्थर हृदय वाले जीव को दिखना कठिन है, और आत्मा उस जीव के स्वभाव को लेकर वैसी ही बन गई। आत्मा के ऊपर आवरण नहीं बनता, लेकिन जिसको जो सिखाया जाएगा वो तो वही सीखेगी। आत्मा तो दृष्टा है, आत्मा जब जीव को देखती है कि मत्था टेक रहा है, कान पकड़ रहा है,
ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, तो वो तो परेशान है क्योंकि उसको परात्मा की सुध नहीं है। अब राज्य भी परम धाम के प्रेम का वर्णन करने चले हैं तो करें कैसे? तो उनके तन से भी कलवाया जा रहा है, प्रथम लागू दो चरण को धनिये ने छुपाई अच्छी कदमों लागू करो से था पकड़ के दो पाँव। महामती जी के तन से द्वारा करवाया जा रहा है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। और तो और परम धाम में भी वर्णन घुसा दिया जा रहा है, सखियाँ आए आए के चरणों लगे। परम धाम में रंगपर वाले मंदिर में जिसे इश्क की मारिफत की लीला होती है उसमें चरणों में प्रणाम कौन करेगा? इस दुनिया में महारानियां, अब जैसे देखिए हम श्यामा जी को क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, एक विचारधारा चलती है बिना श्यामा जी की कृपा के राज्य नहीं मिल सकते। ये कुछ सीमा तक ठीक है केवल समझाने के लिए। तो राज्य और हमारे बीच में श्यामा जी के बिचौलियेपन की तो आवश्यकता पड़ी है कि श्यामा जी की कृपा नहीं होगी तो राज्य नहीं मिलेगी। ऐसा कहने का असर क्या है कि हम श्यामा जी के अंग हैं। देखिए राज्य कहते हैं हम रुए बका बिने सो सब रू अल्लाह के तन। राज्य कहते हैं तुम रूहे मेरे तन। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा तो बताइए क्या अंतर है? राज्य कह रहे हैं सखियों को कि तुम मेरे तन हो, श्यामा जी कह रही है कि हम रूहे बका मिने सो सब रू अल्लाह के तन, श्यामा जी कह रहे हैं कि तुम मेरे तन हो। एक जगह कहा जाता है कि नहीं राज्य के अंग हादी नूर है हक्का हादी अंग नूर, हादी नूर है हक्का रूहे हादी अंग नूर। राज्य के अंग श्यामा जी और श्यामा जी के अंग सखियां, सागर में चौपाई दी। जिस तरह से वृक्ष की जड़ में पानी देने पर पत्तों तक डालियों तक वो जल पहुंच जाता है, उसी तरह से राज्य का इश्क और आनंद लेकर श्यामा जी सखियों तक पहुंचाते हैं। तो इसका सामान्य अर्थ ये निकाला जाता है कि यदि श्यामा जी की कृपा नहीं होगी तो किसी को भी इश्क नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, तब तो परम धाम में भी किसी मध्यस्थ की जरूरत पड़ गई है। पूछा जाए तो सखियों के अंदर कौन है? जब राज्य कह रहे हैं कि तुम मेरे तन हो तो फिर मध्यस्थता की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये क्यों किया जा रहा है? अक्षरातीत भी परम धाम की निस्बत की जब व्याख्या करने लगते हैं तो उनको मौन हो जाना पड़ता है और यहाँ के दृष्टांतों से समझाना पड़ता है कि प्रथम लागू दो चरणों को कदमों लागू करे सीता। मेरी बातें काफ़ी अटपटी लग रही होंगी क्योंकि समाज को मेरी ये बातें स्वीकार नहीं हो सकती, क्योंकि समाज शरीयत की दृष्टि से कुछ भी सोचता विचारता है परम धाम की दृष्टि से। आप बताइए वाणी कहती है कि तुझे तो हम है नहीं ये बोरे बेबरा पाए तत्का जो खिलावत त्यों खेलत न तो क्या जाने। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई कुछ है? न अर्श जिमी दूसरा कोई और धरावे ना ये लिख्या वेद कते में कोई ना ही खुदा। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं है, न श्यामा जी है न सखियां हैं, कुछ नहीं है। राज्य ने ही अपने हृदय को श्यामा जी के रूप में व्यक्त किया। जैसे एक बच्चा ऊंचाई से सीढ़ी से गिर जाता है तो किसको चोट लगती है? माँ को। माँ कहती है कि मेरे कलेजे के टुकड़े चोट तो नहीं लगे। बच्चे को क्या कहती है? तुम मेरे हृदय का टुकड़ा है। कलेजा और हृदय एक ही है, कलेजा अरबी फारसी का शब्द है। तो जिस तरह से चोट लगी है बच्चे को, पीड़ा हो रही है किसको? माँ को। राज्य के हाथी नूर है हक का, राज्य का नूर जिसे कहते हैं। आपके चेहरे से नूर हट जाए तो आपका चेहरा कैसे लगेगा? किसी का चेहरा फीका होता है तो क्या कहते हैं? इनके चेहरे में तो कोई नूर नहीं है, आभा नहीं है, सौंदर्य नहीं है। हाथी नूर है हक का, राज्य के नूर कौन है? श्यामा जी। और सखियां क्या है?
राज श्यामा जी के नूर है। तात्पर्य क्या, राज जी अपने से अनंत गुना श्यामा जी से प्रेम करते हैं। आपने दुनिया में कहीं देखा है कि भूख से बच्चा तड़प रहा हो और माँ उसके सामने मक्खन मिश्री खा रही हो, माँ तो भूखी रह जाएगी, पहले बच्चे को खिलाएगी। इसलिए श्यामा जी अपने से अनंत गुना सखियों से प्रेम करते हैं और सखियां अपने से अनंत गुना राजी श्यामा जी से प्रेम करते हैं और राजी अपने से अनंत गुना श्यामा जी और सखियों से प्रेम कर रहे हैं। और किस रूप में कर रहे हैं यही तो बताना था परमधाम में, परमधाम में बता नहीं सकते थे कि वैदत की व्याख्या कैसे करें कैसे बताएं। एक पशु पक्षी के अंदर भी उतना ही इश्क है जितना श्यामा जी और सखियों के अंदर। सखियां सिंहासन पर बैठे हुए युगल स्वरूप को रिझा रही है, हम राज्य को ये कर रही है ये कर रही है, क्योंकि हकीकत है मारिफत में क्या है, जिसको रिझा रही है वही राज्य पशु पक्षियों के रूप में उनको रिझा रहे हैं। श्यामा जी को रिझा रहे हैं सिंह बनकर, पशु पक्षी के रूप में बंदर बनकर के, सखियों को मालूम ही नहीं पुतलियों के रूप में कौन है, राज्य धरती के रूप में आकाश के रूप में, एक अक्षरातीत के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं और वो अक्षरातीत अपने हृदय को ही अनंत रूपों में प्रकट किया हुआ है। श्यामा जी के रूप में, सखियों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में राज्य स्वयं है, बंदरों के रूप में स्वयं है, पशु पक्षियों के रूप में स्वयं है, वो सखियों की सेवा कर रहा है, सखियों को पता नहीं, सखियां समझ रही है हम राज्य को रिझा रहे हैं और राज्य पशु पक्षी के रूप में सखियों को रिझा रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं तुमको पता ही नहीं कि तुम कौन हो। सागर देखिए, सारी दुनिया के सागर तो आपस में जुड़े हुए हैं, हिंद महासागर की लहर कहे कि मेरे जैसा कोई नहीं, प्रशांत महासागर कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, बंगाल की खाड़ी की लहर कहे कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो सागर तो हंसे नाम भले ही सात सागर है लेकिन है तो सागर एक ही। उसी तरह से एक ही राज्य श्यामा जी के रूप में सखियों के रूप में, सखियां भी अनंत, इस दुनिया की भाषा में 12,000 कहा जा रहा है, इस दुनिया में उनकी अनंत की नजर को 12,000 में सीमित कर दिया गया है, उस प्रेम को हम समझ नहीं सकते जो अपना सर्वस्व लुटा रहा हो। देखिए इस संसार में जो भक्ति होती है पाने के लिए होती है, नवदा भक्ति, थोड़ा दो ज्यादा लुटो। अब देखते हैं ना, पाठ कर लिया, इतने पाठ इतना नचा हुआ, इतना भोग चढ़ाओगे ये मिलेगा, जानते ही है, मैं ज्यादा क्या कहूं, आप राज्य को लोहा चढ़ाओगे तो कोई चढ़ाएगा, कोई ये नहीं कहता कि दिल दे दो। परम धाम में हर ब्रह्मात्मा अपना दिल अपना अस्तित्व ही नहीं मानते, मेरा तन मन तुम्हारा है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, मैं इस दुनिया के प्रेम की एक झलक दिखाता हूं, हम सुंदर सा तो बहुत पीछे छूट गए। एक बार कोई किड्स डे ने कोई कार्यक्रम किया द्वारिका में, सबको निमंत्रण भेजा, राधा को नहीं भेजा। नारद जी पहुंच गए ब्रज में, कहते हैं कि राधा सारी दुनिया कहती है कि कृष्ण तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुमको तो पूछा ही नहीं, सबको बुला भेजा। तो राधा तो कोई दुनिया की महिला नहीं है जो रूठ जाए, इस माया के जगत में क्या होता है, किसी को निमंत्रण ना भेजो तो क्या कहेगा, हमको निमंत्रण नहीं भेजा मैं क्यों जाऊंगा। राधा क्या कहती है कि नारद जी आपको भ्रम हो गया, मैं और कृष्ण तो हो ही नहीं और कृष्ण मुझे निमंत्रण दे भी नहीं सकते, निमंत्रण तो दूसरे को दिया जाता है। नारद जी को तब बहुत समझ आई कि हाँ इस बात तो सही है, इसलिए कृष्ण ने राधा को कभी निमंत्रण नहीं भेजा और राधा ने कभी गिलेसी को नहीं किया, क्योंकि कृष्ण के हृदय में राधा है, राधा के हृदय में कृष्ण। लेकिन इस संसार की जो मर्यादा होती है, निमंत्रण मिलता है जाते हैं भेंट देते हैं तो दुनिया के रिश्ते चलते रहते हैं, निमंत्रण रहते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं,
क्योंकि ये स्वार्थ की दुनिया है, कर्मकांड की दुनिया है, और हम परम धाम को भी उसी चश्मे से सब देखने लगते हैं तो कहते हैं कि राज जी को ये चढ़ाओ, राज जी को मत्था नहीं टेका, इतनी बार मत्था टेको राज जी कहीं रूठ जाएंगे। तो राज जी नहीं हुए, दुनिया के एक देवता हो गए जो अच्छे मिष्ठान चढ़ाने पर, पागे चढ़ाने पर, सोना चढ़ाने पर खुश हो जाते हैं, नहीं चढ़ाने पर दंड देने लगते हैं, अनिष्ट करने लगते हैं। राज जी कोई काल भैरव नहीं है, कोई काली माता नहीं है कि हमारा नाश कर देंगे, हमने उनको बढ़िया भोग नहीं चढ़ाया था। राज्य तो दिल मांगते हैं और वो हम देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम प्रेम नहीं जानते हैं। हमने तो दुनिया की भक्ति देखी है कि वैष्णो माता में जो जितना चढ़ाएगा तो इतना मिल जाएगा, साईं बाबा को 1 करोड़ चढ़ाओगे 2 करोड़ मिल जाएगा आपको, तिरुपति मंदिर में 4 करोड़ चढ़ाओगे आपको 10 करोड़ मिल जाएगा। तो हम भी सोचते हैं कि राज्य को इतना दे दे मिल जाएगा, मिल तो जाएगा। आपने अपना हृदय क्यों नहीं दिया? परम धाम में सबने अपना हृदय लुटा रखा है। मासू के मोहे मिलके करी सो दिल दे, कुछ कहे तू दे पुत्र जो मैं पूछू तुझ। राज ने पहले ही अपना दिल लुटा दिया। और देखिए राज ने एक जिसको इस संसार की भाषा में कहते हैं प्रेम का पागलपन। प्रेम का पागलपन क्या होता है? जिसमें बुद्धि कार्य न करे। अरे भाई एक बार वर्णन कर दिया, मेरा हाथ ऐसा है, मेरे चरण कमल ऐसे हैं, मेरे होठ ऐसे हैं, 7 बार वर्णन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? आप तो एक श्रृंगार पढ़ करके भी संतोष कर सकते थे। अभी आपने सुना नेत्र कैसे हैं राज्य का, और 7ों श्रृंगार में पड़ी है, 3 बार सागर ग्रंथ में वर्णित है, 4 बार श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का श्रृंगार वर्णित है। 7 बार वर्णन करने का आशय क्या है? केवल एक ही बात कि इस माया के संसार में परम धाम की आत्माएं जिस कठोर जीव के दिल को लेकर के बैठी है उसमें कुछ कोमलता आ जाए, कुछ प्रेम की एक सुगंध आ जाए जो परम धाम के प्रेम को उस नजर से थोड़ा समझ सके। इसलिए बार बार कह रहे हैं मेरी आँख ऐसी है, मेरे नेत्र ऐसे हैं, मेरी नासिका ऐसी है, मेरे गाल ऐसे हैं, मेरी तरफ देखो। इतना होने के बावजूद भी कोई देखने के लिए तैयार होता है? वो तो सोचता है कि कौन झंझट में पड़े, एक पैकेट मिठाई का ला दो, 500 रुपये चढ़ा दो, राजी खुश हो जाएंगे। राजी को क्या भोजन नहीं मिलता? राजी आपके पैसे को लेकर क्या करेंगे? आप राजी के दिल हो तो आप अपना दिल सौंपो, ये कोई नहीं करना चाहेगा। दिल किसको सौंप रखा है? पति ने पत्नी को सौंप रखा है, पत्नी ने पति को सौंप रखा है, माता पिता ने बच्चों को सौंप रखा है, बच्चों ने माता पिता को सौंप रखा है, ये रिश्ते। और जब उनके माया के स्वार्थ में कोई बाधा पड़ेगी तो कह देंगे कि हमें कोई मतलब नहीं। माँ बेटे में टकरा, भाई भाई में टकरा, पिता पुत्र में टकरा, क्यों? स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करदार ने। ये दुनिया प्रेम की भाषा नहीं जानती, इसलिए हमको उस मंजिल पर ले जाने के लिए महामती जी के तन से भी वैसी चौपाइयाँ बेबस होकर कलवानी पड़ रही है कि हम किसी तरह से अपने को झुकाना तो सीखें, स्वयं को देना सीखें। जैसे कदमों ला करूँ सीता पकड़ के दो पाओ, हुक्म करत है मासू बीच आसी के दिल। इसका क्या असर है? कदमों ला करूँ सीता, किसी के चरणों में प्रणाम क्यों किया जाता है? सिर झुका दिया तो ये प्रतीक इस बात का है कि हमने अपना आम आपके चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे राणा प्रताप का एक सैनिक अकबर के दरबार में मिलने के लिए गए तो अकबर ने जानबूझकर क्या किया कि ऐसा छोटा दरवाजा बना दिया जिसमें सिर झुकाकर ही जाना पड़ता। उस सैनिक ने दरवाजे से प्रवेश करने से पहले अपनी पगड़ी उतार ली और तक अकबर के महल में प्रवेश किया और अकबर को अभिवादन किया। अकबर का अकबर ने पूछा कि सैनिक तुमने अपनी पगड़ी क्यों उतार ली? कहा कि ये राणा प्रताप की दी हुई पगड़ी है, मेरा सिर भले झुक जाए ये पगड़ी नहीं झुकनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पगड़ी को उतार लिया था। ये क्या है? स्वाभिमान। स्वाभिमान पर ये दुनिया चल रही है, लेकिन दुनिया में क्या है? अभिमान। अभिमान और स्वाभिमान दोनों अलग अलग है। अभिमान किसको कहते हैं? अपने रूप का अभिमान होना, विद्या का, धन का, कुल खानदान का, पद का अहंकार करना अभिमान है।
स्वाभिमान क्या है? स्व का अभिमान, मैं आत्मा हूं, मेरा अपना गौरव है, मेरी अपनी गरिमा है। स्वाभिमान कभी खोना नहीं चाहिए और अभिमान कभी करना नहीं चाहिए। स्वाभिमान और अभिमान से परे होने के बाद ये बातें हो सकती है, हम कौन है? हम तो कुछ है ही नहीं, दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वैदत का। वैदत में कौन है? एक ही दिल तो सब कुछ है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत बता देता हूँ, एक आम है, अभी बरसात का मौसम गया, आम की एक गुठली को बो दीजिए, वो कुछ सालों में पेड़ पे बन करके दिखाई देता है, उसमें फल लगने लगते हैं। तो आम की गुठली से जो वृक्ष तैयार होगा उसमें क्या अमृत फल सकता है कि नहीं? आम की गुठली से केवल आम फलेगा। फिर उस फल की, उस वृक्ष की एक गुठली को लगा दीजिए, उसमें से भी जो फल निकलेंगे केवल आम निकलेंगे। तो जैसे एक गुठली हजारों लाखों वृक्षों को पैदा कर सकती है, वैसे ही एक राज्य का दिल परम धाम के सभी रूपों में, केवल राज्य का दिल ही है, कोई दूसरा नहीं है। एक गुठली में जिस आम से बनी है, उस आम के सारे गुण उन सभी फलों में आ जाएंगे। वैसे ही जितना इस राज्य के हृदय में है, उतना ही इसके श्यामा जी के हृदय में, उतना ही इसके सखियों के हृदय में, उतना ही इसके खुशहालियों के अंदर है, एक पशु पक्षी के अंदर भी उतना ही इसका है। परम धाम के खरगोश को और हाथी को लड़ाएंगे तो क्या परिणाम होगा? इस माया की दृष्टि से सोचेगा कि हाथी तो ताकतवर होता है, खरगोश पर पैर रख देगा पिचक जाएगा, ऐसा नहीं है। परम धाम में एक चींटी में भी उतनी ही ताकत है जितना हाथी में ताकत है, क्योंकि सभी वैदत के स्वरूप। इसलिए परम धाम में निर्णय नहीं हो सकता था कि प्रेम किसका बड़ा है, कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, वैदत के ये इसको तन्न एक इसको। अब ये पांचवा सागर, पांचवा सागर पूरा गहरा कुछ गंभीर प्याले इसके दरगाह दरियाओं के पीवे अरसर में। परम धाम में जो प्रेम का सागर है उसको कौन पीता है? परम धाम की आत्माएं संसार के जीवों को समझ नहीं पाते। संसार के जीवों के सामने परम धाम के प्रेम की व्याख्या कीजिए तो समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि ये नौधा की दुनिया है। नौधा भक्ति में आपको सब दिखावा करना पड़ेगा, माला पहननी पड़ेगी, तिलक लगाना पड़ेगा, बार बार मत्था टेकना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे आप बहिष्कृत कि आपने तुम्हें तिलक नहीं लगाया है, कंठी नहीं पहनी है, परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, आपको मेहर सागर याद नहीं। आप ये बताइए, चलिए परम धाम की गोपियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रतिबिंब की सखियों ने कृष्ण जी के मथुरा जाने के बाद कितनी बार माला का जप किया होगा? कुछ किया? कभी जब ब्रज में कृष्ण का संदेशा लाते हैं उद्धव, तो सखियां जोर से कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलने लगती है क्या? बोली मीरा ने जय जयकारे लगाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आजकल तो जयकारे के नाम पर लड़ाई चल रही है, मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि मैं जयकारा ही नहीं बोलता। मुझे हंसी भी आती है कि बेचारी इन सबको मैं कैसे समझाऊँ कि आप शरीयत की चीज दुनिया में दे रहे हैं उसमें ये सब चलता है। जो प्रेम की रसधारा में डूब गया, मासूम तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासूम, ये हुक्मे इलम दृढ़ के रू अजू न क्यों डूब। मासूम तुम्हारी अंगना, मैं अंगना आपके मासूम हूं और मुझ अंगना के तुम मासूम। तो आप बताइए कौन किसका जयकारा लगाएगा? मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि यहाँ कहने पर कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कौन किससे मन्नत मांगेगा, कौन किसको जयकारा लगाएगा, कौन किसको माफी मांगेगा, ये तो सब कर्मकांड की दुनिया में होता है और ये सब चल रहा है।
इस बुद्धि से यदि ये समझेंगे तो सागर के इस प्रकरण की व्याख्या अपने समझ में, और हमको समझाने के लिए एक एक आधार चढ़ाया जाता है। जैसे अभी इस चौपाई में आता है, नैनो नैन मिलाए के अमी रस्य चत, अपने अंग रुए जान के नेह नए नए उपजावत। नेह नए नए उपजावत का अर्थ क्या होता है? मासू की नजर तले आठों जाम मासिक, पिए अमी रस संकोल। मासू की नजर तले आठों जाम मासिक, अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम है उस अनंत सागर है, और वो अनंत सागर उमड़ता जा रहा है, उमड़ता जा रहा है, उसकी लहरों की कोई माप नहीं कर सकता। माप किसकी होती है? इस संसार में इन्होंने इतने हजार पाठ कर लिए, इतने पूरे श्रवण कर लिए, मंत्र जप इतने कर लिया। जब जप की बात आती है तो मैं सोचता हूँ कि परमधाम की वाणी पढ़ करके भी बेचारे फिर इसी जप पर घूम फिर करके आ जाते हैं। इनको कैसे बताया जाए कि परमधाम का प्रेम क्या होता है? अक्षरातीत कहते हैं कि मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ये हुक्मे इलम दृढ़ किया। राज्य के हुक्म ने, राज्य के आदेश से मुझ द्रौपदी को दृढ़ता आ गया। रू अजो क्यों न हो टूट, मेरी आत्मा तू आज भी राज्य पर निछावर क्यों नहीं हो रही है? तुम अंगना के मासूक, ऐसे कौन होता है जो मासूक पर अपना रोम रोम लुटाते हैं, वो अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। राज्य हमारे लिए अपना अस्तित्व समाप्त कर चुके हैं। आप सोचिए, जिनके सत्संग के आदेश मात्र से, इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, वो महामती जी के धाम हृदय में बैठा है, गांव गांव भटक रहा है, नगर नगर भटक रहा है, वन वन भटक रहा है। मंदसौर में आते हैं, आठ महीने भिक्षा, सुंदर साथ भिक्षा मांग कर लाओ, और भिक्षा के अन्न को खाते हैं। ये कामा पहाड़ी से उदयपुर जाते हैं, कई दिन खाना नहीं मिलता है। पन्ना में हीरा निकाल सकते थे तो कामा पहाड़ी पर भी निकाल सकते थे, उनको भूख रहने की जरूरत नहीं थी, मंदसौर में भी निकाल सकते थे। लेकिन नहीं, सिखापन देना है कि मैंने जब माया का तन धारण किया तो तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए मैंने सब कुछ करके दिखाया कि प्रेम कहते किसको, और तुम अब तो जैसे अब देखिए ना, प्रवाही लोग क्या करते हैं, खुद इसी कमरे में बैठे हुए और हनुमान जी की मूर्ति धूप में बैठा था कि बेचारे हनुमान जी जो मूर्ति के बने होते हैं या शंकर जी बने होते हैं, धूप में भी खड़े रहते हैं, वर्षा सील सब देखते हैं। अब तो हमारे समाज में मूर्ति पूजा ऐसी चल रही है, कहीं ऐसा ना होगा कि प्राणनाथ जी और देवचंद जी को भी धूप में बड़ा बनाकर खड़ा कर दिया, तो क्या होगा? हमने राज्य के प्रेम को नहीं समझाया, हमने परम धाम के प्रेम को नहीं समझाया। जिस दिन समझ जाएंगे कि मासूम की नजर तले अठो जाम आसिक, पिए अमीर संको अमृत रस, अक्षरातीत का हृदय सखियों के रूप में प्रकट हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया संसार के दृष्टांत से, बच्चे में माता पिता के गुण सारे आते हैं। आम की गुठली से पैदा होने वाले वृक्ष में आम के सारे गुण आ जाते हैं। तो सखियों में, खूब खुशालियों में, 25 पक्षों में क्या है? केवल राज्य। इतनी सी बात को समझ लें कि हम दुनिया के भक्त नहीं हैं, कि हम राज्य के नाम की माला धारे। नाम माला और धारो साधु भाई, नाम माला और धारो किस अवस्था में कही जाती है कि जब हम दुनिया की माया में फंसे हैं तो किसी तरह से राज्य को अपने हृदय में, राज्य की शोभा। नाम का तात्पर्य क्या है? राज्य की पहचान, राज्य की शोभा, राज्य की महिमा। किसी तरह से राज्य को हम अपने हृदय में बसाए। कहीं भी वाणी में नहीं लिखा है कि माला लेकर के इतने 108 बार जप करो, इतनी बार ये करो, ये तो संसार के लिए है। इसलिए यदि हमें परम धाम के प्रेम को समझना होगा तो शरीर से परे होना होगा, मन बुद्धि से परे होना होगा। इस दुनिया में जितना कुछ हमने सुन रखा है उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए और परम धाम की नज़र से देखिए, हक इलम ने देखिए तो ये अर्श महा। ये पाँचवा सागर यदि समझना है
तो हम निस्बत को समझेंगे। निस्बत थक की जात में है, निस्बत थके की जात है, निस्बत में इस निस्बत वास्ते इलम इताया गया सब। परमधाम की आत्माओं के लिए ये परमधाम की वाणी आई है और परमधाम की आत्माएं संसार को भुलाकर परमधाम की वाणी से जब राज्य को समझने का प्रयास करेंगे तो जैसे सागर की एक बूंद समझ में आती है तब राज्य का दिल थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अन्यथा इस माया की बुद्धि से मूल्यांकन करेंगे तो न राज्य को समझ सकते हैं, न राज्य के हृदय में पड़ने वाले प्रेम के सागर को समझ सकते हैं, और राज्य को हमें पाने के लिए क्या करना है ये तो कभी समझ में ही नहीं आएगा। हम उनकी देखा देंगे सब करेंगे, मत्था टेकेंगे, मैं भी कहीं जाता हूँ तो मुझे भी दिखाना पड़ता है कि देखो मैं मत्था टेक रहा हूँ, नहीं तो हर जगह आरोप लग जाता है कि राजा स्वामी ने मत्था नहीं टेका। मैं कहता हूँ कि खुश हो जाओ, देखो मैं बढ़िया से मत्था टेक रहा हूँ। जो अपना है, जिसका दिल हम है, इस दुनिया में तो टेकना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया नास्ती कह करके भगा देगी, मंदिर में घुसने कोई नहीं मिलेगा। तो ये प्रेम नहीं है, जो अपना होता है उसके सामने नाटक नहीं किया जाता है। नाटक नाटक है, प्रेम प्रेम है, प्रेम को नाटक के दृश्य से देखेंगे तो कभी समझ नहीं।